नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर 6 के एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पार्किंग नंबर 6 में राजू गुप्ता का राजेंद्र ट्रेडर्स नाम से गोदाम है, जहाँ पर पुराने कागज पेपरों की कटिंग की जाती है। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर 6 नंबर पार्किंग में आग लगी है। तत्काल एक गाड़ी भेजी, यहाँ स्टाफ आया। स्टाफ के द्वारा बताया गया कि आग अधिक है, तो दूसरी गाड़ी भेजी, जिसको अपन ने 3 गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को बुझाया गया। आसपास क्षेत्र में जो है रोडों का काम चल रहा है, तो थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, मुश्किल 10-15 लेट हुई है। आग को बुझा लिया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। संभावित आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि कतरन है। ये राजन ट्रेस के नाम से है, दुकान मालिक है अपना, जो गोदाम मालिक है राजू गुप्ता। यह बेस्ट में पेपर को कटिंग पंच करके मशीन प्रेस किया जाता है, प्रेस करके कोई मेरठ यूपी भेजा जाता है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।